हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। 10th क्लास इंग्लिश मीडियम लेसन चल रहा था अपन लोगों का केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। ओके, नाउ इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। उसमें मैंने आप लोगों को 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के इंट्रोड्यूस करवाया था। सर हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी एडिशन रिएक्शन की, हमने बात करी थी डिसोसिएशन रिएक्शन की, हमने बात की थी रिप्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चार रिएक्शन से रिलेटेड अपन लोगों ने ओनली फॉर बेसिक फंडामेंटल जो है वो डिस्कस किया था। टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द एडिशन रिएक्शन, या हम यू कहेंगे डिस्कशन अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद द फुल थियोरेटिकल पोर्शन। ओके, नाउ स्टार्ट एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? देखिए फंडामेंटल बात अपन लोगों ने स्टार्टिंग में की थी ना, बेसिक बात। एडिशन रिएक्शन मींस इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। होगा क्या, देखिए सबसे पहले एग्जांपल की फॉर्मेट में बात करें। हमने कहा सर टू एंड मोर देन टू, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सर ओनली फॉर टू, टू से ज्यादा भी हो सकता है। हमने देखिए यहां पर एक रिएक्शन की बात करते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म CO2। देखिए यहां नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर टू, नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर टू एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज वन। इट मींस द बोथ रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस रिएक्शन। दैट मींस द सिंगल प्रोडक्ट आर फॉर्म इन दिस रिएक्शन। ओके चलिए नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अपन लोग। डेफिनेशन से रिलेटेड बात करें अपन तो होगा क्या लिखेंगे, या क्या लिखेंगे, दिस इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ओके चलिए देखिए यहां से ये डेफिनेशन लिखना नेसेसरी है बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो इस लैंग्वेज से रिलेटेड पुट होता है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके कुछ एग्जाम्पल से रिलेटेड बात करें। देखिए ये आपको स्क्रीन शॉट लेकर के या वीडियो पोस्ट करके आपको नोटबुक में मेंशन करना है। चलिए यहां मैं आप लोगों के एग्जाम्पल से रिलेटेड बात बताते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल अभी जस्ट अपन लोगों ने लिखा था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, टू रिएक्टेंट कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे Mg प्लस O2 गिव्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एथीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल पैलेडियम एंड प्लेटिनम एंड फॉर्म एथेन। ओके द ऑल थ्री आर एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हमारी क्या हो गई, एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नाउ स्टार्ट द सेकेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट देखिए नाम से आइडेंटिफिकेशन होता है, रिप्लेसमेंट एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम अदर रिएक्टेंट में प्रेजेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, यानी एक की जगह पर क्या आ जाता है, दूसरा एटम एटम ऑफ ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। दैट्स टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड रिप्लेसमेंट। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट डिस्प्लेस एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ द अनदर रिएक्टेंट, यानी दो रिएक्टेंट में से एक का एटम या ग्रुप ऑफ एटम अनदर से क्या हो जाएगा,
रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि क्लासरूम की बात करें, दो स्टूडेंट्स बैठे हैं अलग अलग रूम में, है ना, तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट्स को अपनी प्लेस से हटा करके अदर जगह बैठा दिया, और जहां वो लड़का बैठा था उसको हटा करके दूसरे को ला करके बैठा दिया। तो हमने क्या कर लिया कि दोनों बॉयज को क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया। ओके चलिए, तो अब ये बात करेंगे अदर रिएक्टेंट। अब कहा सर इन दोस रिएक्शन द बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट आर ब्रेक, यानी जो पहले से बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें तो क्या करेंगे, उसका तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और नए बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखेंगे, लाइक ए एंड बी प्लस सी, दी ए बी आर सिंगल रिएक्टेंट एंड सी आर रिएक्टेंट। तो देखेंगे यहां से क्या होगा कि सर बी एंड सी के बीच में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा सर, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इट मीन ए सिग्नल रह गया एंड बी एंड सी के बीच में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यानी बी का रिप्लेसमेंट हो गया सी के। ठीक है सर, अब देखेंगे यहां से एक एग्जांपल देखते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ओके, जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो जिंक जो है वो कॉपर मेटल का, देखो दोनों मेटल्स है कॉपर एंड जिंक, एक दूसरे का क्या कर लेंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे, यानी कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, और जिंक की जगह कौन चला जाएगा, कॉपर। तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ZnSO4 प्लस Cu। यानी देखिए पहले कॉपर और सल्फेट के बीच में बॉन्ड था, देन आफ्टर जिंक और सल्फेट के बीच में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एंड कॉपर एंड सल्फेट के बीच में बॉन्ड का क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है, है ना। तो इस तरीके की रिएक्शन कराती है आप लोगों की रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देखिए क्वेश्चन पूछ होता है आपके किसे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम आयरन रॉड को डिप करें तो क्या होगा, किसे कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो स्लोली स्लोली कैसा हो गया, डिसअपीयर हो जाता है, इसका क्या रीजन है, है ना। इसका रीजन यही है कि सर देखिए कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है क्या होता है, कॉपर सल्फेट का ये जो सॉल्यूशन है उसमें क्या कर दिया जाए, आयरन रॉड को डिप किया जाए, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। इससे रीजन पूछा जाता है, रीजन बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट। देखिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कॉपर आयन, कौन होता है कॉपर आयन। तो देखिए आप जब आयरन रॉड को डिप करते हो तो ये आयरन उस कॉपर का क्या कर देगा, रिप्लेसमेंट कर देगा। अब जो ब्लू कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है अगर उसी को आप सॉल्यूशन में से हटा दोगे तो क्या कलर ब्लू रहेगा, क्या नहीं रहेगा, यही रीजन होता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके कारण क्या होता है ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है सर, ये आपकी रिप्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को रिमेनिंग टू रिएक्शंस के बारे में और डिस्कस करेंगे, अपन ये नोटबुक में लिख दीजिएगा एंड लर्न कीजिएगा। थैंक यू।